मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ाई 15 जनवरी को मनाई जाती है, तो वो पास आ गई है तो उसी के लिए हमारे यहाँ बनता है मकर संक्रांति यानी खिचड़ाई के दिन स्पेशल वाली तहरी। और इस तहरी के लिए हम ना नए चावल उपयोग करते हैं, तो नए चावल की बनती है तहरी, या आप इसे खिचड़ी भी बोल दो। तो बस मैं नए चावल ले लिया मैंने यहाँ पे 1 गिलास, और उसे 2-3 बार हल्के हाथों से धो लेंगे क्योंकि ये नया चावल है ना, और उसे साइड में रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, पानी गर्म करूंगी मैं क्योंकि इसमें कुछ सब्जियां पड़ती हैं जो इस समय के सीजन में मिलती है ना, वो सब्जियां इसमें पड़ती हैं जैसे कि गोभी, मटर, नया आलू और भी सब्जियां पड़ती हैं, पर गोभी, मटर और आलू यहाँ इसका मतलब मेन सब्जी है। तो मैं यहाँ गोभी को कट कर रही हूँ और उसको गर्म पानी में धोऊंगी जिससे कि उसके थोड़े बहुत जो कीड़े हैं वो सब निकल जाएं। कई बार क्या होता है गोभी में कीड़े मिलते हैं हमें, तो बस उसी के लिए मैं उसमें गर्म पानी कर रही हूँ, फिर उसमें डाल के धो लूँगी। और सुबह का टाइम है ना तो थोड़ा सा सब जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं इसे लंच के लिए बना रही हूँ टिफ़िन में, तो बस जल्दी जल्दी मैं, ये नया आलू है इसलिए हम इसे सिर्फ चाकू से ऐसे करूँगी, रफली चाकू से रब कर लूँगी जिससे उसका कचरा वगैरह साफ़ हो जाएगा, और ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी और धो लूँगी। यहाँ पे गोभी भी हो गई है हमारी, इसे भी निकाल लेंगे और फिर एक बार नॉर्मल पानी से धोएंगे हम। अब क्या है ना, इसमें जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही इसका मतलब ओरिजिनल फ्लेवर आता है, ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। तो मैंने कुकर में तेल गर्म किया, साथ ही डाला 1 चम्मच जीरा, और ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं। जीरा जब हमारा हो जाएगा, चटक जाएगा, तो इसमें डाल देंगे अपना गोभी और आलू, और उसे हाई फ्लेम पे ही थोड़ी देर 3 से 4 मिनट भूनेंगे। और जैसे होता है ना कि खूब मसाले डालना है तो मसाले नहीं डालना है, एकदम सिंपल सादा, तभी इसका ऑथेंटिक टेस्ट आएगा, तहरी का टेस्ट। हमारे यहाँ ना खिचड़ाई के दिन, मकर संक्रांति के दिन यानी, ये हर घर में बनती है, मतलब मेरे पूरे परिवार में तो बनती ही है, मतलब हमारे जितने भी परिवार है ना वो सारे परिवार वाले बनाते हैं, मतलब हम किसी भी घर जाए, छोटे दादाजी के यहाँ, बड़े दादाजी के यहाँ, सबके यहाँ यही तहरी बनती है। तो बस मैं यहाँ पे आलू गोभी को भून लिया मैंने, डाल दिया हल्दी 1/2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, और इन सबको अच्छे से डाल के ना 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर उसके बाद हम अपने धुले हुए चावल डाल देंगे। चावल का ना क्या करेंगे, पानी का जो मेजरमेंट है, अब ये तो नया चावल है, मुझे इसका आइडिया नहीं है इसमें कितना पानी लगेगा, लेकिन मैं वही नॉर्मल रेगुलर मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल लिया था, और तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लूंगी। पानी डालने के बाद हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब चला देंगे ऊपर नीचे बराबर से, और ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस बंद करके इसको ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे सुबह बना रही हूँ यानी कि मैं इसे टिफिन में देने वाली हूँ तहरी को, तो इसको मैं ठंडा भी करूंगी प्रेशर निकलने के बाद। तो ये देखिए हमारी तहरी बन गई है, कलर कितना अच्छा आया है, पूरा ओरिजिनल देसी स्टाइल का कलर आया है जैसे बनता है। ज्यादा मसाले हम डाल देंगे ना तो इसका जो देसीपन है, ओरिजिनल जो टेस्ट है वो नहीं रहेगा, वह तो फिर बिरयानी हो जाएगी या पुलाव हो जाएगा वो, ऐसा। तो इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं, तो ये कहलाती है हमारी तहरी, खिचड़ाई के दिन बनने वाली स्पेशल। और मैंने यहाँ पे तहरी को ठंडा करके टिफिन पैक कर दिया, साथ में दिया आंवले की चटनी और दही, जीरा और धनिया डाल के। तो बस टिफिन हो गया है रेडी। अब मिलती हूँ आपको नई रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर देना, और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे जरूर बताना।